गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास सेकंड। नाउ ओपनिंग बुक स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी एक्सरसाइज नंबर 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस। ए, 3 कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 प्लस 5 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 कॉइन तो है उसके 2 रुपये के और 5 कॉइन है 1 रुपये के, यानी 3 × 2 = 6 एंड 5 × 1 क्या हुआ 5। तो 6 + 5 = क्या हुआ, यहाँ पे 5 प्लस लगेगा। ओके, तो 6 + 5 = 11 रुपीस। आंसर क्या आया, 11 रुपीस। देखिए दो तीन तीन सिक्के हैं 2 रुपये के और 5 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 3 × 2 = 6 और 5 × 1 = 5। तो 6 + 5 = 11। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, यहाँ पे आज की डेट डाल लीजिए स्टूडेंट्स। 7 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 5 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे। देखिए 7 सिक्के हैं 50 पैसे के और 5 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो कितना बना, तो यानी ये कितना हुआ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, 7 सिक्के 50 पैसे के, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो इसको 50 पैसे हुए, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया और 3 आया, कितना ये आया 3 रुपये 50 पैसे। ओके, और ये कितना हुआ 50, ठीक है। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो 50 पैसे हो गए। अब इस 50 को और इस 50 को प्लस किया, कितना हुआ 1 रुपया, ठीक है स्टूडेंट। अब इस 1 रुपये में ये 3 प्लस किया तो क्या आया 4 रुपीज़। ओके, चलिए 10 कॉइन्स ऑफ 5 पैसे, 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। देखिए स्टूडेंट्स, 10 सिक्के हैं 5 पैसे के, तो ये कितने हुए 50 पैसे, और 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ये कितना हुआ 50 पैसे के 3 सिक्के, यानी ₹1.50, डेढ़ रुपया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा ₹2, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ आंसर। यहाँ तक आप लोग, अब नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे स्टे एंड स्टे हेल्दी, ठीक है स्टूडेंट्स। गुड बाय एवरीवन, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट्स करना ना भूलें स्टूडेंट्स, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।